नमस्कार, मेरा नाम है राकेश पाठक, ज्योतिष शिरोमणि। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन लोगों का जन्म, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, जिनका जन्म हुआ है 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को, वो लोग कैसे होते हैं या किन चीजों की सावधानी उनको बरतनी चाहिए। देखिए, 3 नंबर जो होता है वो बृहस्पति ग्रह का होता है। बृहस्पति ग्रह विजडम का कारक है, नॉलेज का कारक है। तो ऐसे लोगों के पास चतुराई होती है, विजडम होती है, ऐसे लोगों के पास ज्ञान का भंडार होता है। ये लोग डोमिनेटिंग होते हैं, ये चाहते हैं कि लोग इनकी अथॉरिटी में काम करें, लोगों इनके अधिकार क्षेत्र में काम करें, इनके अंदर ये आदत होती है। बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, किसी को काउंसल करने बैठेंगे उसका बिल्कुल ब्रेन वॉश कर देंगे। लेकिन ब्रेन वॉश जो करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव मैनर में करते हैं। राहु भी ब्रेन वॉश करता है लेकिन राहु हमेशा नेगेटिव वे में करता है। तो 3 नंबर वाले ब्रेन वॉश कर देते हैं किसी का भी, लेकिन पॉजिटिव वे में करेंगे, उसकी अच्छाई के लिए करेंगे। मॉरल वैल्यूज इनके अंदर बहुत होती है, क्योंकि 3 नंबर जुपिटर का कारक है, बृहस्पति ग्रह को संबंध रखता है, तो बहुत ही ज्यादा मॉरल वैल्यूज इनमें होती है। हमेशा न्याय का साथ देते हैं, कभी भी अन्याय के साथ ये लोग नहीं खड़े होते। इनके लिए जरूरी है कि कोई भी काम अगर स्टार्ट करें, इन तारीखों वाले, 3 तारीख वाले, 12 तारीख वाले, 21 तारीख वाले या 30 तारीख वाले, मंगलवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार में अगर काम स्टार्ट करते हैं तो इनको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। खाना खाने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं खाने के। वेट बढ़ने की इनकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह है, फैट का कारक है, वसा का कारक है, तो वेट ऐसे लोगों का बढ़ जाता है। तो इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, कैसे इनको प्रिकॉशन लेनी है, इनको मैनेज कैसे करना है। इनको देखिए, मैनेज करने के लिए इनकी आज्ञा मानो। अगर आप इनकी आज्ञा नहीं मानोगे, इनकी बात नहीं मानोगे, प्यार से हैंडल नहीं करोगे, तो ये मैनेज करने मुश्किल है। इसलिए हर स्त्री और हर पुरुष इस बात पे ध्यान दे, हर पति पत्नी इस बात पे ध्यान दे। प्रिकॉशन क्या है इनके लिए, यही है कि ज्यादा खर्चा ना करें, खर्चा करने के आदी होते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। स्टोमक डिसऑर्डर इनको हो सकता है, शुगर की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, फैट की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, तो ध्यान रखना। इवन थायराइड की प्रॉब्लम भी इन लोगों को हो सकती है, इसलिए इनको पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलना है। और किसी से, दूसरे से कभी भी ईगो नहीं रखनी है। ये 3 चीज ध्यान रखेंगे तो बहुत तरक्की करेंगे। धन्यवाद।